हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है भाई। वीडियो में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने सैमसंग के फ़ोन में जो डार्क थीम ऑप्शन होता है, डार्क थीम ऑप्शन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो ये डार्क थीम ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो सैमसंग का फोन, सैमसंग के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग्स को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हम सेटिंग्स को ओपन करते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका ऑप्शन शो होता है, हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के यहाँ पर आपको शो होगा डिस्प्ले का ऑप्शन, तो डिस्प्ले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डार्क एंड लाइट एंड डार्क थीम का ऑप्शन शो होता होगा, तो हम डार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। डार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से आपका ऑप्शन शो हो जाएंगे। और अगर जो हमारा डार्क थीम ऑप्शन है मतलब इनेबल हो जाएगा, तो इस तरीके से डार्क थीम ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। आपको डिसेबल करते हैं, तो डिसेबल करने के लिए सिंपल हम फिर से इस पर क्लिक कर देंगे, तो वैसे हमारा डार्क थीम ऑप्शन डिसेबल भी हो जाएगा। तो इसका अगर इसका आपको शेड्यूल कर दे, शेड्यूल भी हो जाएगा इजीली। सिंपली जैसे हम सारे क्लिक करते हैं, क्लिक करने यहाँ पे आपको शेड्यूल का ऑप्शन है कस्टम, इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो जैसे शेड्यूल ऑप्शन हमारा हट जाएगा। अगर इस पर हम क्लिक करें शेड्यूल ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो इजीली। तो किस एंड टाइम पर भी शेड्यूल कर सकते हो। तो वैसे सही अपने डार्क थीम ऑप्शन इनेबल एंड डिसेबल शेड्यूल कर सकते हैं सैमसंग के फोन में। तो वैसे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आता, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने को लाइक नहीं दबाना ना भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।